क्लास 10 में एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर। यानी कि जो आर्मी में जो 616 मेंबर हैं उन्होंने मार्च करना है आर्मी बैंड 32 मेंबर के पीछे परेड में। द टू ग्रुप्स उसके होंगे जिनमें कि उन्होंने बोला कि सेम नंबर ऑफ कॉलम हो, जो कॉलम की काउंटिंग वो सेम हो। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे। जब भी मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर वाला क्वेश्चन आए तो उसमें हमने हायर कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं, यानी कि एचसीएफ से वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टू नंबर है 616 और 32, इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से। एचसीएफ निकाल रहे हैं 616 और 32 का बाय यूक्लिड एल्गोरिदम से, जिसकी इक्वेशन होती है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जिसमें 616 ग्रेटर है 32 से, इसलिए 616 हम इसके बीच में लिखेंगे और 32 से डिवाइड करेंगे। तो पहले ये 1 से डिवाइड होगा, मतलब 32 से डिवाइड होगा 1 पर, और लेस करने के बाद आ जाता है यहाँ पर 29, ऊपर से हम 6 उतारेंगे, और फिर ये 32 को 9 पे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता 288, और इसको जब हम इसमें से लेस करते हैं तो आता है 8। अब ऊपर से कुछ भी उतारने वाला नहीं बचा, तो क्या करेंगे, 32 इसके बीच में आ जाएगा अगेन, जैसा हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 84 का 32, और ये क्रॉस आ गया, यानी कि लेस करने के बाद 0 आ गया। अब इस फॉर्म में इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। हमें पता है कि जो ए क्या होता है, हमारा डिविडेंड होता है 616, और इसमें डिविडेंड क्या है 32, और इक्वल डालकर क्या है बी क्यू, बी क्यू क्या है, ये बी है डिवाइजर और क्यू क्वोशेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, 32 मल्टीप्लाई 19, और उसी तरह से नीचे वाले में 8 × 4, यानी ये बी क्यू है और ये बी क्यू इसका, इनको लेस करके 8 बच रहा था रिमाइंडर, और इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो प्लस रिमाइंडर लिखना है। पहले का रिमाइंडर कितना है 8, और सेकंड पार्ट का क्या है 0, और जिस पार्ट में रिमाइंडर 0 आता है उसका जो बी होता है डिवाइजर होता है वही एच सी एफ होता है। तो यहाँ पर एच सी एफ क्या है 8 है, एच सी एफ 8 है, और लिख सकते हैं दे कैन मार्च इन मैक्सिमम 8 कॉलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।